हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 19 अगस्त और अभी बज रहे दोपहर के 11 और मैं एकदम नहा धोवा के एकदम रेडी हो गई हूँ बिकॉज आज है जन्माष्टमी और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। निर्जला उपवास रखे हैं हम लोग, मैं और दी ने रखा है व्रत और सिद्धार्थ ने भी रखा है, बट वो फ्रूट्स वगैरह खा के करेगा। और आज के इस ब्लॉग में मैं पूजा की सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो या रेड वाला बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ऑल पे क्लिक करके, ताकि मेरा और भी नोटिफिकेशन, नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास। और ये आज का वेदर देखिए, मैं एकदम अपने विंडो के पास बैठी हूँ और आज का वेदर बहुत ही अच्छा है बिकॉज दो दिन से बहुत ज़्यादा धूप निकला है गाइस। और मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि हम लोग डर गए थे कि व्रत कैसे होगा, कैसे क्या होगा, बट भगवान ने विश को पूरा किया कि बारिश हो गई और वेदर ठंडा हो गया, ताकि हम लोग मतलब अच्छे से रह पाए। और वरना से ऐसे रहने पर क्या होगा ना, पानी वानी जैसे लगता है ना कि प्यास लग जाता है, पानी पीने का मन करता है, वैसे बोलना बहुत ज़्यादा है मुझे पता है। बट और आज काम भी बहुत ज़्यादा है, डेकोरेशन बाकी है, अभी दीदी गई है शॉपिंग के लिए। हम लोग कल भी गए थे शॉपिंग और शॉपिंग का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल आप लोग देख सकते हो, जाके मैंने मिनी ब्लॉग डाला था शॉपिंग का, आप लोग जाके प्लीज़ देखें और लाइक कर दे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे गाइस, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, और शेयर करें गाइस, आप लोग प्लीज़ अपने स्टोरी पर कम से कम मेरा यूट्यूब चैनल को लिंक को लगा ले, ताकि इतना भी मेरा हेल्प कर सको आप लोग, प्लीज़ मेरे लिए आप लोग इतना तो कर सकते हो ना, तो प्लीज़ कीजिए। और चलिए फिर देखते हैं आज का दिन कैसा होता है और चलिए लेट्स गो। सो गाइस, इस वॉल पे हम लोग करने वाले डेकोरेशन, तो चलिए देखते हैं डेकोरेशन हम लोग कैसे करते हैं और आप लोग इसी वीडियो में यूं ही बने रहिए। देख सकते हैं हमारा थोड़ा बहुत डेकोरेशन कंप्लीट हुआ है और अभी हम लोग जा रहे हैं लाइटिंग करने, तो लाइटिंग। सो गाइस, हम लोगों का डेकोरेशन हो गया है पूरा बिल्कुल कंप्लीट और आप लोग रेडी हो देखने के लिए मेरा डेकोरेशन। अब कान्हा जी का होगा स्वागत शाम के, रात के 12 बजे के करीब, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम लोगों ने कैसा किया है डेकोरेशन। तो रेडी हो, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस, आप लोगों ने मेरा डेकोरेशन देख लिया, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं अच्छे से कुछ बर्तन वगैरह मैं वो क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग होंगे रेडी, भगवान को करेंगे रेडी और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी पूजा हम लोग के घर पे कैसे होता है। और मुझे तो उतना आता नहीं है, बट दीदी करती है वो पूजा और नेक्स्ट डे से मुझे करना पड़ेगा पूजा, इसलिए मैं ये पूजा का प्रोसेस सारा मैं अपने वीडियो क्लिप में ऐड कर लूँगी कि फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं सब देख के अपना कर सकूँ, अकेले जब भी मैं अकेले रहूँ तब भी मैं कर सकूँ। और मेरा हो गया कंप्लीट डेकोरेशन, उसके बाद मैं आप लोग से बर्तन वगैरह क्लीन करके थोड़ी देर बाद आप लोग से मिल सकते हैं। बिकॉज इतना मेहनत करने के बाद किसी को भी पानी प्यास लगी जाएगा और भूख भी लगी जाएगा, और मैं क्या करूँ, मुझे ना बहुत बहुत सारे खाना मतलब बहुत सारे मतलब पिज्ज़ा वगैरह सब कुछ बहुत याद आ रही है मुझे, बहुत सच में कसम से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब याद आ रहा है। मैं फ़ोन खोल रही थी, मुझे सिर्फ खाने की वीडियो सामने आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। और जब भूख हो ना तभी ऐसा होता है, क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, मेरे से तो हमेशा होता है जब मतलब ऐसे मुझे वो बंगाल का सबसे फेमस है ना मिस्टी दोई, मुझे उसकी याद आ रही है बहुत ज़्यादा। मैं क्या करूँ फिर, मैं अपने आप को क्या कामों में मतलब अपने उलझाए रखती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ बिकॉज भूख बहुत ज़्यादा लग गया और मुझे बोलने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा है। फिर आप लोग थोड़ी देर बाद आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। सो हे एवरीवन, तो शाम के बज रहे 7 और अभी हम लोग का स्टार्ट हो गया है पूजा की कुछ तैयारियाँ जो बाकी रह गई थी, और अभी सब दीदी डेकोरेशन कर रही है। जैसा आप लोग देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है, ये हमारी छोटी सी गाय माता और भगवान के ये सारे खिलौने हैं और उनके गाय माता के एक छोटा सा बच्चा है, जैसे आप लोग देख
आप लोग ने जैसा देखा कि हमारे लड्डू गोपाल भी सज गए हैं शाही स्नान लेने के बाद, उनकी श्रृंगार कंप्लीट हो गई है, दीदी ने उन्हें पूरा अच्छे तरीके से सजा दिया है। अब हमारे सजने की टाइम आ चुके हैं, सारे चीज़ रेडी हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं किचन में, देखते दीदी क्या बना रही है और लड्डू गोपाल के लिए। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते क्या बन रहा है। क्या बना दीदी इसमें? तो गाइस तीन चीज़ बनने वाला है लड्डू गोपाल के लिए, इसमें बन रही है साबुदाने की खिचड़ी और इसमें बन रही है इसमें बन रही साबुदाने की खीर और इसमें बन रहा है पंजीरी और वहाँ पे बनने वाला है अभी थोड़ी देर बाद सिंघाड़े आटे की हलवा जो कि सिद्धार्थ की फरमाइश है और लड्डू गोपाल के लिए उनको भोग लगा दिया जाएगा जब बन ही रहा है। तो यहाँ पे अभी फ्राई हो रहा है ड्राई फ्रूट्स घी में वो पंजीरी के लिए, और ये भी दूध बॉइल्ड हो रहा है धीरे धीरे। पीछे किचन में बन रहा है भगवान के लिए भोग और प्रसाद, और इधर मैं आ गई हूँ फटाफट अपना मेकअप सामान रेडी करने, क्योंकि अभी बज रहा है 9:30 और हम लोग को रेडी भी होना है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या पहने वाली हूँ, दीदी क्या पहने वाली, मैं आप लोग दिखाती हूँ। सो गाइस हम ये पहने वाले लहंगा और दीदी पहने वाली है साड़ी रेड वाली, और ये है मेरा ब्लाउज और ये दुपट्टा, ये मेरा इयरिंग है और ये दी का इयरिंग है, और ये चूड़ी दी का है और ये चूड़ी मेरा है। सो और अभी हम लोग सीधा आप लोग को रेडी होने के बाद मिलते हैं। तो रेडी हो जाते हैं और भोग वगैरह बन जाता है। ये देखिए ये बन रहा है पंजीरी। एकदम रेडी हो रहा है घी में मस्त एकदम, और यहाँ पे साबुदाने की खीर। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अब हम लोग रेडी हो जाते हैं फटाफट से, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। बिकॉज मैं 3 से 4 बार बोल चुकी हूँ रेडी हो रहे रेडी हो रहे, अब हम रेडी होने जाते हैं पक्का, क्योंकि 9:30 हो गया है, और फटाफट रेडी होने के बाद आप लोग से मिलते हैं। वन हम लोग हो गए हैं एकदम अच्छे तरीके से रेडी, मैं आप लोग अपना पूरा फुल लुक शेयर करूँगी अभी थोड़ी देर में। और ये देखिए दीदी भी एकदम अच्छे तरीके से रेडी हो गई है साड़ी पहन के, और बहुत प्यारी लग रही है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए। हे एवरीवन, तो अभी बस 5 मिनट बाकी और हमारा फोटोशूट और रील्स वगैरह कंप्लीट हो गया है बनाना, और अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने, बिकॉज और बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, बस पूजा करके पानी पी लेना है और कुछ नहीं करना है, और भूख भी लगा है। तो फिर चलिए पूजा करते हैं, और सारे लोग भैया ये सारे लोग सो गए थे, बस मम्मी और हम दीदी जगे थे, सारे लोग उठ रहे हैं, उसके बाद सब फ्रेश वगैरह होके फिर पूजा वगैरह करते हैं। हम लोग तो रेडी है एकदम अच्छे से कृष्ण भगवान के स्वागत में, तो चलिए चलते हैं भगवान का पूजा करने। तो अभी हम लोग का हो गया पूजा कंप्लीट, और आप लोग भी ब्लेसिंग्स वगैरह ले लीजिए, भगवान जी से आशीर्वाद वगैरह ले लीजिए, और भगवान आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूरा करें और मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ाए। और अभी हम लोग जा रहे हैं, पूजा वगैरह कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं पानी वानी पीने, खाना वाना खाना है कुछ, मतलब फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, कल हम लोग खाना खाएंगे और अभी फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, अभी जा रहे चेंज करने, चेंज करने के बाद आप लोग से मिलते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी बचे रात के 1 और अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, सारे लोग खा पी के एकदम आराम से पानी वानी पी लिए हैं, और कल का प्लानिंग हो रहा है कि कल क्या बनेगा, तो देखते हैं मम्मी को बनाना है, मम्मी क्या बनाती है, और सिद्धार्थ का डिमांड चलेगा कि उसको क्या खाना है, हम लोग का तो कुछ चलता नहीं है, तो देखते हैं कल और मिलते हैं आप लोगों को कल सुबह, तक के लिए बाय। हाय एवरीवन, तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी बज रहे सुबह के 9, हम लोग ने नहा वहा के पूजा वगैरह कर लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। मम्मी ने ये बनाया सिद्धार्थ का फेवरेट खाना,